न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। साल 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की कवायद में जुट गई हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा कर रही है कि 2024 में दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार आने वाली है, वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि 2024 में इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। जी हाँ, अब तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात करने का फैसला किया है। जी हाँ, आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे से भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुलाकात की थी, इसमें नीतीश कुमार मौजूद रहे, तेजस्वी यादव मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लगातार मुखर रहे हैं वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो ये दावा कर ही रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बार एकजुट करना होगा, वहीं अखिलेश यादव ने भी यूपी में ये कवायद शुरू कर दी है। लेकिन 2024 के लिहाज से, जी हाँ, समाजवादी पार्टी यूपी में 80 लोकसभा सीटों की जो है जीतने का दावा कर रही है और अकेले दम पर, अपने दम पर दावा कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरीके का दावा कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलने का जिस तरीके से वो फैसला करा है उन्होंने, वो आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करने वाला है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको बता दें, अखिलेश यादव की जो मुलाकात होनी है नीतीश कुमार से, वो होनी है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। इसके अलावा अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिलने के लिए जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त जो कवायद विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, वो अखिलेश यादव उसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे तौर पर की मुलाकात चल रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता जब दिखाई जाएगी तो पीएम पद के उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा, इसको लेकर के भी घमासान लगातार छिड़ रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को पीएम पद के उम्मीदवार बनाया जा सकता है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसके अलावा इस रेस में नीतीश कुमार भी मौजूद है। नीतीश कुमार पहले भी दावा कर चुके हैं कि पीएम पद की दावेदारी वो पेश कर सकते हैं विपक्ष की ओर से। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस विपक्षी एकजुटता को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से दावा कर रही है उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव, इसके अलावा तमाम जो राजनीति है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को किस कदर टक्कर दे सकती है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।